ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मिथुन राशि वालों तो तैयार, क्योंकि अब भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से 2 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि 10 दिनों में सूरज की तरह चमकेगा आपका भाग्य। या दोस्तों आपको बता दें, भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से 2 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि 10 दिनों में बन रहे सूर्य के शुभ योग कार्य सिद्धि योग में 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। या दोस्तों आपको बता दें, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 2 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि 10 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की इन 10 दिनों में आपको प्राप्ति होने वाली है। जहां दोस्तों आपको बता दें, इन 10 दिनों का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय साबित होगा, धन योग का समय साबित होगा। इन 10 दिनों के समय में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होने वाली है, 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज इन 10 दिनों में आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब दोस्तों वे बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके 2 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि 10 दिनों के संपूर्ण और बिल्कुल सटीक राशि फल के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं, कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 2 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि 10 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक सक्षम और मजबूत स्थिति में रहेगा। कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में आपको आनंद आएगा। अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात खुशी आपको प्रदान करेगी। दोस्तों साथ ही साथ यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर बन रहे हैं। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था, उसके अब पूरा होने का समय आ गया है। कुछ विरोधी हावी होंगे परंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह समय विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। आवश्यकता है तो सिर्फ पहले से ज्यादा मेहनत करने की। किसी रिश्तेदार या मित्र द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। दोस्तों साथ ही साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व कृपा से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अटके हुए थे, वे अब आपके अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई समाचार सुनने को आपको मिल सकता है। भाइयों से बंटवारे, संबंधित विवाद का निपटारा आपसी सहमति व किसी की माध्यमता से आसानी से हल हो जाएगा। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक आपके संपर्क बनेंगे। आप अपनी बुद्धिमता व होशियारी से अधिकतर काम निपटाने में यह समय सक्षम रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ यह समय कुछ लोग आपकी आलोचना व निंदा कर सकते हैं। ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी आपको बनाकर रखने की आवश्यकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध व आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बनाया हुआ खेल भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। संतान का जिद्दी
वह अड़ियल रवैया आपको चिंता में डाल सकता है। दोस्तों साथ ही साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूफ भी बना सकता है। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भूमि व वाहन संबंधी ऋण लेने से पहले आपको किसी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यह समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटौती करें। क्रोध व उत्तेजना पर आपको जरूर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं। सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बनाकर रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने करियर के साथ कोई समझौता आप ना करें। दोस्तों साथ ही साथ यह समय पति पत्नी के आपसी तालमेल और सामंजस्य में कुछ कमी रह सकती है, इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठकर समय व्यतीत करना माहौल को बहुत ही सामान्य बना देगा। दोस्तों साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने करियर व अध्ययन के साथ समझौता आप ना करें। परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। किसी बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुशनुमा वातावरण रहेगा और परिवार प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और करियर की करें तो यह समय व्यापार व कामकाज में कुछ ठोस व महत्वपूर्ण आप निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक स्थितियां पहले से अधिक मजबूत होंगी। नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिकारियों के समक्ष जवाबदेही आपको करनी पड़ सकती है। दोस्तों साथ ही साथ कारोबार में कड़ी मेहनत और परिश्रम की आपको आवश्यकता है। कार्य विस्तार संबंधी योजनाएं कार्य रूप में परिणित होंगी। एक बार उस योजना का उन्हें परीक्षण आप जरूर करें। नौकरी में हल्की फुल्की परेशानी आएंगी, परंतु आप अपनी बुद्धिमता व विवेक से सभी परेशानियों का हल बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाल लेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा। यह समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात बहुत फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों की दिनचर्या बहुत अधिक व्यस्त रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ यह समय व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आ गया है। सेल टैक्स, जीएसटी आदि से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राइवेट नौकरी में लक्ष्य को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबाव भी रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय कामकाज को पूरी गंभीरता और संजीदगी से आप अंजाम दें, अन्यथा आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फंस सकते हैं। सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की उलझने उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्तक्षेप आप ना करें। दोस्तों साथ ही साथ व्यापार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल आप अवश्य करें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है।
दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय शारीरिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं रह सकती हैं। वर्तमान माहौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु खानपान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं। ज्यादा गरिष्ठ और तेलीय भोजन खाने से आप परहेज करें। किसी भी प्रकार की बुरी आदत व बुरी संगति से आप दूर रहें। इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प्राणायाम का सहारा लें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।